हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको तिल और गुड़ की चिक्की, तिल की चिक्की कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। मार्केट में ये बहुत ही मिलती है, पर घर पे ये बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है। और ये तिल और गुड़ की चिक्की है, बहुत ही हेल्दी है। तो आप ये तिल और गुड़ की चिक्की की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए। तो ये विंटर में आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। तो तिल की चिक्की के लिए मैंने एक पैन में 1 कप तिल ले लिए हैं और तिल मैंने व्हाइट लिए हैं। पहले हम उसे ड्राई रोस्ट सेक लेंगे ताकि हमारी चिक्की है वो क्रिस्पी बने। तो और तिल हमारे जब ही सिक जाएंगे तब ये थोड़े स्प्लटर होंगे, मीन्स फूटेंगे, तो वो अच्छे से सिक गए हैं ऐसा आपको पता चल जाएगा। तो हम कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें तिल को सिकना है, नहीं तो ये तुरंत ही जल जाते हैं। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं और तिल अभी स्प्लटर होना चालू हो गया है। तो ऐसी आवाज आएगी जब ही तिल हो। तो शुरू में ये थोड़ी ज्यादा आवाज आएगी, जब ये कम हो जाएगी तभी हमारे तिल है वो सिक्के रेडी हो गए हैं। तो अब ये हो गए हैं, मैं उसे एक प्लेट में निकाल दूंगी और साइड में हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक सेम ही पैन में हम 4 टेबलस्पून घी ले लेंगे। आप चाहे तो 2 टेबलस्पून भी ले सकते हो। और घी गरम हो जाए, हम उसमें 1 कप गुड़ के टुकड़े ऐड कर देंगे। तो ऐसे टुकड़े मैंने किए हैं, हम ऐड कर देंगे। और गुड़ को घी के साथ अच्छे से मिक्स करके हम उसे पकाएंगे और गुड़ है वो तुरंत ही पिघल जाएगा। और हमें अभी इसकी चाशनी बनानी है, तो इसे हमें लगभग मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से होने देना है। तो ही हमारी जो तिल की चिक्की है वो क्रिस्पी बनेगी। तो सेम ही हमें तिल है, अगर आप कच्चे लोगे तो ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो तिल को भी आपको अच्छे से सेकना है और गुड़ की जब भी आप चाशनी बनाए तो उसे भी आपको अच्छे से पकाना है। तो मीडियम गैस पर 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो स्टर करते हुए हम चाशनी को होने देंगे। तो ऐसे आप देख सकते हो उबाल आने लगा है। तो अभी 5 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हो चाशनी का कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी मैं एक बाउल में पानी ले लूंगी और पानी में हम चाशनी का 1 से 2 बूंद ऐड करेंगे और हल्का ठंडा हो जाए जिसे हाथ में आप पकड़ लो तुरंत ही। और उसे आप ऐसे तोड़िए, अगर ऐसे खींचता है तो चाशनी अभी हमारी रेडी नहीं हुई है। तो और 1 मिनट के लिए हम चाशनी को होने देंगे। तो ये ट्रिक से आपकी चाशनी है वो कभी बिगड़ेगी नहीं। तो एक और बार मैं 1 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ 1 मिनट के बाद, और मैं हाथ में लेके इसे तोड़ूंगी। तो ये तुरंत ही टूट रही है, मीन्स हमारी गुड़ की चाशनी रेडी है। अभी हम उसमें तिल ऐड कर देंगे। तो गुड़ अच्छे से सिक जाएगा ऐसे, तो ही हमारी चिक्की है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर देंगे और ये तुरंत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कढ़ाई से ये पूरा ऐसा अलग हो जाएगा। तो ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, हम गैस की आंच बंद कर देंगे और ये एकदम अच्छे से अभी तुरंत ही सेट हो जाता है। तो आपको इसे तुरंत ही बेलना है। तो मैंने चकला और बेलन ले लिया, घी से मैंने उसे ग्रीस कर लिया है। आधा हम मिक्सचर हमारा तिल और गुड़ का ले लेंगे और ऐसे सेट कर लेंगे। और घी लगाया हुआ बेलन से हम जितना पतला बेल सके इतना पतला आप उसे बेल लीजिए। और दूसरा मैं थाली पे ले रही हूँ, उसे भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। तो मैं अभी इसे हाथ लगा सकती हूँ, ये हल्का ठंडा हो गया है ऐसा मैंने गोला बना लिया है।
और हम उसे भी ऐसे फैला के बेल लेंगे। अगर आपको लगे ये चिपक रहा है तो थोड़ा और घी लगा लीजिए, नहीं चिपकेगा ये बिल्कुल। दोनों अच्छे से सेट हो गए हैं। जो ये वाला है मैं उसे नाइफ से निकाल लूंगी, और आप ऐसे भी उसे स्टोर कर सकते हो या फिर ऐसे टुकड़े कर लीजिए, तो स्क्वायर या ट्रायंगल में। और हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। आप इसे तोड़ के भी खा सकते हो या फिर ऐसे स्क्वायर बना के भी आप उसे स्टोर कर सकते हो। तो नाइफ की मदद से हम उसे टुकड़े कर देंगे। तो एज है नाइफ का जो कोना है उसे हल्का आप ऐसे लगाइए और ये तुरंत ही निकल जाएगा। तो एकदम परफेक्ट हमारी तिल और गुड़ की चिक्की बन के तैयार हो गई है। ये एकदम क्रिस्पी बनी है और ये आप विंटर में बहुत ही हेल्दी है। तो आप ये एक बार क्रिस्पी तिल गुड़ की चिक्की जरूर बनाइए, और आप इसे बना के 1 महीने के लिए डब्बे में स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपको चाहे तभी इसमें से एक से दो चिक्की लेके आप उसे खा सकते हो। तो आप ये क्रिस्पी तिल और गुड़ की चिक्की की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको तिल की चिक्की, तिल और गुड़ की चिक्की की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।